हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं एक्स की जगह पे tan थीटा रख देता हूँ तो देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा। तो x की जगह पे हमें tan थीटा रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और स्क्वायर से हम इसको रूट को हटा सकते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा फाइनली tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट हटा दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हटा दिया तो ये हट गया। अब देखिए tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो मैं लिख देता हूं इसमें 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर का एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में लगाया तो वन टाइम गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सेम लिख देंगे। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब कर दिया, तो क्या बच गया हमारा, हमारा बच गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान करिए, मैंने प्रीवियस फॉर्मूले आपको बताए थे प्रीवियस वीडियोस में भी, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा को तो 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला ध्यान करो, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ है। अब देखिए 2 से 2 काट दो, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाई 2 कट गया। अब देखो बच क्या गया, मेरा बच गया tan इनवर्स, यहां क्या बच गया sin थीटा बाई 2 और नीचे क्या बच गया cos थीटा बाई 2। sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, sin इनवर्स है sin, खल्लास क्या बच गया थीटा बाई 2। अब देखिए यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।